किसान भाइयों, मैं अब आपको दिखाता हूँ अपना खेत जो मैंने वेस्ट डिकम्पोजर के इस्तेमाल से बोया था। इसमें गन्ना है और गन्ने के साथ मसूर है। गन्ना बोया था हमने सितंबर के लास्ट में, और ये इसका ना तो हमने सीड ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाई डाली, उसका ट्रीटमेंट हमने वेस्ट डिकम्पोजर से किया। और उसके बाद गन्ना बोने के बाद हमने वेस्ट डिकम्पोजर को पानी में भी चलाया और ना ही कोई दीमक की दवाई डाली। और इस गन्ने के बाद हमने 15-20 दिन बाद इसमें मसूर बोई। और इस समय आप देखिएगा, सर्दियों के गन्ने में इतनी टिल्लिंग नहीं होती जितनी टिल्लिंग इसमें दिखाई दे रही है। एक एक गन्ने में 8-8 टिल्लिंग दिख रही हैं। और ये अभी इसमें कोई खाद नहीं डला है, इसमें कोई यूरिया नहीं डला है, अभी सर्दियों में कुछ नहीं डला है। और ये अच्छी टिल्लिंग है इसमें, अभी इतनी सर्दी में इतनी टिल्लिंग होना एक अच्छा वो है संकेत। इसके साथ ही जो मसूर लगाई है, जिस मसूर में कुछ भी अभी नहीं डला है, एक तरीके से मान लीजिए कि आप ये ऑर्गेनिक मसूर होगी, इसमें फूल भी आने लगे हैं। आप देखिएगा, इसमें इतनी अच्छी मसूर के साथ हमने गन्ना बोया था 4 फीट के गैप पे, और उसके बीच हमने मसूर लगाई थी। और ये इंटरक्रॉपिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। और इसमें लागत, खास बात यह है कि हम लागत तो लगाते हैं, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर ज़मीन की सुधार के साथ साथ लागत को घटाता है और हमारी पैदावार को बढ़ाता है, जो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। आप देखिएगा कि अभी गन्ना सर्दियों में इतना है और हमारी मसूर में फूल आने शुरू हो गए हैं। ये इससे बेहतर और क्या होगा कि हम लागत के कम करने के साथ साथ खेती को जैविक करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसकी आप मिट्टी को दिखाता हूँ मैं आपको। ये मिट्टी, इसमें कुछ दिन पहले तक केंचुए घूम रहे थे, और ये देखिए कितनी शानदार मिट्टी है, एकदम बिल्कुल बढ़िया खुशबू इसकी है। इसमें ना कोई दवाई है ना कोई केमिकल है। और इसकी जो पैदावार है अभी फ़िलहाल मसूर की, तो ऑर्गेनिक ही मसूर हो जाएगी ये। और हम जो NCOF का प्रोडक्ट है वेस्ट डिकम्पोजर, इसका बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी खेती के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सस्ती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। सस्ती के साथ साथ आपकी ज़मीन को उर्वरक शक्ति बढ़ाती है, कार्बन बढ़ाती है, नाइट्रोजन भी मिलेगा आपके खेत को, और बहुत ही बेहतर इसके रिजल्ट आप देख रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं गिरा अभी तक 2 महीने से, और बहुत अच्छी फसल करी है।